नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। जेल से बाहर आते ही फुल एक्शन में दिख रहे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जहां दिल्ली चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ बैठक करने में जुट गए हैं। वहीं आज निकालेंगे पद यात्रा। सिसोदिया के इस यात्रा को चुनावी कैंपेन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आज होगी पंजाब के मान सरकार की कैबिनेट बैठक। इस बैठक में कई अहम फैसले को मंजूरी मिल सकती है, साथ ही विधानसभा सत्र बुलाने पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। यहां वे संस्कृति गौरव गान एवं अभिनंदन समारोह किलकिला में शामिल होंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भड़के राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कहा हिंडनबर्ग का काम और मकसद सभी जानते हैं, उनकी कमाई का जरिया किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बिहार की राजधानी पटना की जर्जर सड़कें अब दुरुस्त होगी, जहां पटना नगर निगम ने इसके लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि नगर निगम ने सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, जिसको लेकर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस पैकेज के तहत अमीजाबाद अंचल, नूतन राजधानी अंचल, बांकीपुर अंचल, पाटलिपुत्रा अंचल, कंकड़बाग अंचल और पटना सिटी अंचल में विकास कार्य किए जाएंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होगी और सुबह 6 बजे तक सभी ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। 6 बजे के बाद यात्रा सेवा को सामान्य कर दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने का सीएम का वादा झूठा साबित हो गया है। स्वतंत्रता दिवस तो आ गया, लेकिन पंजाब नशा मुक्त कब होगा? हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने अपने साक्षात्कार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि वह ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड हैं, लेकिन पार्टी को बहुमत मिलने के बाद आलाकमान मुख्यमंत्री बारे में सोचेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के शिमला का दौरा कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा मौसम पर निर्भर करेगा। इस दौरान पीएम रामपुर समेज में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे पर कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देंगे जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने आज भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह पर सवाल खड़े किए हैं, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह समारोह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। बता दें कि इस समारोह को विभाजन के समय जान गंवा चुके या विस्थापित हुए लोगों की याद में बीजेपी द्वारा मनाया जाता है। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल सहित क्षेत्र के 65,000 से 70,000 देशभक्त नागरिक शामिल होंगे। आज पंजाब के बाघा बॉर्डर और बिहार के पूर्णिया में मध्यरात्रि 12:01 पर ही देश की आजादी का जश्न मनाया जाएगा और तिरंगा फहराया जाएगा। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जहां पूर्णिया के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आधी रात को झंडा तोलन में शामिल होने का काफी गर्व महसूस होता है। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव की घोषणा संभव हो सकती है और अक्टूबर से नवंबर तक 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ बैठक की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई, जहां उनके साथ में मौजूद थे दोनों डिप्टी सीएम। यह घटना कुसुम्बा हवाई अड्डे के पास हुई। गुजरात के भूपेंद्र पटेल सरकार प्रदेश के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जहां इस ड्रैगन फ्रूट को लगाने के लिए सहायता लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। जोधपुर की सेंट्रल जेल में
आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दे दी है। बता दें कि 75 वर्षीय बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी और पुलिस अधीक्षक हिमांशु द्वारा मुख्य आयोजन स्थल सहरसा स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस आयोजन संबंधित पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के क्रम में आयोजन संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने 37 प्रस्ताव को पास किया, जिसमें पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। पश्चिम बंगाल की घटना के बाद रिम्स में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद रांची के रिम्स ओपीडी बंद करवा दिया गया। यहां जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न ने ओपीडी में बैठे सीनियर डॉक्टरों को भी ओपीडी बंद करने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल के बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के पर्व पर उत्साह उमंग और जोश के साथ हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दोहरा के शहीद भुवनेश डोगरा ग्राउंड में 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने से रोकने के लिए अलगाववादी संगठन ने धमकी दी है, जहां संगठन के प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू की ओर से लोगों के मोबाइल पर धमकी वाले फोन आ रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।